नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। जैसा कि हम खुटी के हर दिन जो कुछ यहां घटित होती है मैं उसके बारे में आपको बताते रहता हूं। बता दें कि खुटी शहर के 13 जगहों पर कुल 49 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हम अभी खुटी जिला के पुलिस मुख्यालय में हैं, जहाँ सीसीटीवी का कंट्रोल पैनल बनाया गया है, यहाँ जहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं अभी कुछ ही देर बाद यहाँ उद्घाटन किया जाएगा इसका। ये उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं इधर भी सज के तैयार है और पीछे भी सजा हुआ है, हालांकि हम उधर बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाएंगे, हम आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। देखिए पूरी तरह से सज के तैयार है, लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, हमारे लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रेस वाले लोग भी। हम अंदर चल के अभी सीसीटीवी कैमरे जहाँ जो कंट्रोल रूम है वहाँ जाके दिखाते हैं। लोग यहाँ लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही है। आप हम कंट्रोल रूम चलते हैं। ये कंट्रोल रूम होगा जहाँ से कि शहर में जो कुछ घटित होगा उसे कंट्रोल किया जाएगा। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये कंट्रोल रूम का कंट्रोल पैनल कहे ये बनाया गया है, जहाँ से शहर में किसी भी प्रकार से होने वाले घटना दुर्घटना या जाम हो वो पुलिस सीधे यहाँ से बैठे बैठे उसे देख सकते हैं और अपने उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। खुटी शहर के जो मुख्य चौक चौराहे हैं और खुटी शहर में जितने भी इन और आउटडोर है सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यहीं से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ कंट्रोल रूम है, अब पूरी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी ही देर के बाद इसका उद्घाटन भी होगा। लोग यहाँ सभी पहुँचे हुए हैं, बस मंत्री जी के आने का इंतजार है। इधर हमारे प्रेस के लोग भी बैठे हैं, हमारे भाई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इधर हमारे लोग भी हैं देखिए, और ये नगर पंचायत के लोग, मतलब सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब उद्घाटन किया जाएगा। जब उद्घाटन जब होगा मैं उस नज़ारे को भी आपको दिखाऊंगा। हम कुछ यहाँ इस शहर के जो ये शहर के वासी हैं, अब किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था होगा इस पर हम बात करते हैं। हमारे राहुल जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। आज सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन हो रहा है, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद होगा, क्या मान रहे हैं? काफी लंबे समय से शहर में सीसीटीवी कैमरा की मांग की जा रही थी, कई वर्ष पूर्व में एक लगी थी कई जगहों पे, लेकिन वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे थी। अब जो है 52 लाख की लागत से 49 सीसीटीवी कैमरे शहर के चौक चौराहों में लगे हैं, इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होगी और आम लोगों को भी जो बाजारों में या कहीं भी टहलते हैं उनको भी एक सुरक्षा की भावना जागृत होगी उनके बीच में। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अब अपराध नियंत्रण पर जो नियंत्रण पर जो निगरानी करने के लिए पुलिस को जाके उस घटनास्थल पर जाना पड़ता था, वहां जाके हालात को देखना पड़ता था, अब यहां से उनको समझ में आ जाएगा और यहां से कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब अपराधी सीसीटीवी कैमरा लगने से थोड़ा सतर्क होकर के कांड करेंगे, वो भीड़ भाड़ के एरिया में लोगों को अपना निशाना नहीं बनाएंगे पकड़े जाने के डर से, और लोग भय मुक्त रहेंगे, फायदा होगा शहरवासियों को। लोग भयमुक्त रहेंगे ये मानना है यहाँ के स्थानीय लोगों से। हमारे साथ एक और स्थानीय लोग हैं, यहाँ के खुटीवासी हैं, क्योंकि ये शहर के लोग हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था पहले कैसा था और अब क्या होगा। हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते। अच्छा, अब जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो अब सुरक्षा व्यवस्था कैसा होगा और पहले कैसा था, जरा इस पर कुछ बताएंगे। अब देखिए सीसीटीवी लगने से आम जनता में सुरक्षा का बोध पैदा होगा, सुरक्षा का भाव होगा, लगेगा कि जो अपराधी हैं उसमें भी भय का वातावरण होगा पकड़े जाने के डर से, तो फायदा तो निश्चित होगा। इसकी मांग बसों से की जा रही थी, पहले अपराधी बेलगाम थे, कहीं भी बेखौफ घटना को अंजाम देके दहशत का माहौल कायम करते थे, जो अब नहीं हो पाएगा। अब दहशत का माहौल जो पहले हुआ करता था अब उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, निश्चित नियंत्रण पा लिया जाएगा,
बशर्ते इसका देख रेख रख रखाव ढंग से हो। इनका भी मानना है कि अब अपराध पर नियंत्रण पा लिया जा सकता है, क्योंकि शहर के हर चौक चौराहे पर, लगभग सभी चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और उसका ये यहाँ जो है कंट्रोल रूम है। हम अभी इससे पहले ही बताया, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, मैं अभी यहीं हूँ कंट्रोल रूम में और यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब उद्घाटन होगा, मंत्री जी जब उद्घाटन कराएंगे, मैं फिर से उस दृश्य को भी आपको जरूर दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ।